मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी ने 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री धामी के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जगह जगह पर नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बड़कोट में भी प्रशासन ने यह अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुंवर ने कहा कि हमने शिक्षकों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताया, क्योंकि शिक्षक ही वो कड़ी है जो एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। इसके साथ ही हमने युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति, महिला संबंधी अपराधों, साइबर से संबंधित अपराध, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। यहाँ के टीचरों के आग्रह पर हम लोग जो है यहाँ पर आए थे और हमारे द्वारा जो है यहाँ पर सभी पूरे जनपद के अलग अलग ब्लॉकों से आए हुए शिक्षकों को जो है समाज में फैल रही नशे की प्रवृत्ति, उनके दुष्प्रभावों के बाबत और इसके अलावा ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस, तमाम जो समाज में आज अपराध घटित हो रहे हैं उनके निराकरण एवं समस्याएं निराकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।